द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने कहा ए किधर जाता है। तो सुदामा ने प्रार्थना की, सुन सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, ना ही मैं न्याय की याचना करने आया हूं। मैं तो परदेशी हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे? नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूं। मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ना आपके साथ अन्याय हुआ है ना अत्याचार। हाँ, ना आपको न्याय चाहिए ना दक्षिणा, तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों लेना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र है। हाँ, कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा है, मेरे परम मित्र है। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सनिक भाई, मैं सच कह रहा हूं, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के गरीब गया है। Oh, my God.
कह दो कि धरती सुहावा गरीब दयाल है, धरती सुहावा गरीब दयाल है। मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूं, वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। द्वारकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेश सुनाऊं। ठीक भी कहो, क्या संदेश लाए हो? प्रभु, द्वारपाल एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। द्वारपाल, एक ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए? यह विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषियों और ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? क्षमा करें प्रभु, बात यह नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? प्रभु, बात यह है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, कोई विक्षिप्त प्राणी है, आधा पागल सा लगता है। तुमने ये कैसे जाना? पहली बात तो यह है कि वो परम दरिद्र दिखता है, ना सर पर पगड़ी, ना पांव में जूता, फटी हुई धोती। द्वारका राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। यह कोई परदेशी है, परंतु परदेशी अथवा गरीब में तो पागल होने की निशानी नहीं होती। तो फिर तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है प्रभु। कैसी बातें? प्रभु, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र कौन है? वो कहां से आया है? क्या नाम है उसका? जरा सोचो, कहां एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां एक राजा? सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? शीघ्र ही निर्णय लो। लौट जाओ, स्वामा भी लौट जाओ। देखो बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होगा तो अब तक बुला नहीं लिया होगा। सुनते ही तुमने चले आए मोहन, लगाया कदे से सुदामा को मोहन। Yeah.